हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है सेटलर्स। फिल्म की शुरुआत में हम मार्स प्लैनेट का दृश्य देखते हैं। इंसानों को यहाँ रहते 50 सालों से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। मार्स पर कॉलोनी बनाने का प्रयास फेल हो चुका था क्योंकि इंसानों की लालच और सोच ने यहाँ भी मानवता को बसने का मौका नहीं दिया। सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ सर्वाइवलिस्ट बचे हुए हैं। वहाँ हम एक आउटपोस्ट देखते हैं, एक छोटा सा मिलिट्री कैंप जहाँ एक परिवार रहता है, रेजा और उसकी पत्नी लीजा और उनकी छोटी बेटी रेमी। इस आउटपोस्ट के दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। रात रेजा रेमी को प्लैनेट्स के बारे में बता रहा होता है। रेमी को उस आउटपोस्ट के बाहर जाने की सख्त मनाही थी, शायद बाहर खतरा है। इस बात का पता रेजा और लीजा को बेहतर था। एक शाम जब रेजा बाहर से घर आता है तो वो काफ़ी परेशान दिखाई देता है। रात रेमी अपने माता पिता को कमरे में बातें करते सुनती है। वो किसी अजनबी की बात कर रहे थे। ये सुन रेमी काफ़ी डर जाती है, पर रेजा उसे यकीन दिलाता है कि उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। सुबह रेमी और लीजा देखते हैं उनके बेस के बाहरी ग्लास पे लिखा था लीव, यानी ये जगह छोड़कर चले जाओ। उन्हें पता चल जाता है कि स्ट्रेंजर्स को अब इस जगह का पता चल चुका है। रेजा अपना गन लेकर आता है पर उसे कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। रेजा गुस्से में चिल्लाने लगता है। बेस अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड था, जब तक उसका दरवाज़ा न खोला जाए कोई भीतर नहीं आ सकता। वो शाम तक किसी के सामने आने का इंतज़ार करते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता है। तभी रेमी चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर चले जाती है। लीजा ये देख लेती है और उसे बेस में लौटने के लिए आवाज़ देने लगती है। और बाहर तीनों अजनबी छिपे हुए थे, उन्हें लीजा की आवाज़ सुनाई दे जाती है। वो सभी रेमी की तरफ भागने लगते हैं और फिर रेजा और लीजा दो सर्वाइवलिस्ट को एक एक करके मार देते हैं। लीजा रेमी को लेकर बेस में चली जाती है पर रेजा बाहर ही छूट जाता है। और एक सर्वाइवलिस्ट काफ़ी ऊंचाई पर था, रेजा निशाना लगाकर उसके पैर पर गोली चला देता है जिससे वो घायल हो जाता है। वो फिर बेस में आता है और लीजा को सारे दरवाजे बंद करने के लिए कहता है और खुद बाहर उस शख्स को मारने चला जाता है क्योंकि वो उसे ज़िंदा छोड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर रात हो जाती है, रेजा का कुछ पता नहीं चलता। सुबह लीजा छिपकर बाहर देख रही थी, तभी वहाँ एक शख्स आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये वही शख्स था जो रेजा की गोली लगने से घायल हो गया था। लीजा और रेमी काफ़ी डर जाते हैं। उस शख्स का नाम जेरी है। वो बताता है कि बहुत पहले इस जगह पर उसके माता पिता रहा करते थे और वो इसी जगह पैदा हुआ और बड़ा हुआ था। वो नहीं जानता कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ, पर आज वो काफ़ी मीलों का लंबा सफ़र तय करके इस जगह को फिर लेने आया है और अब से वो यहीं रहेगा। वो दोनों चाहे तो वहाँ से जा सकते हैं, पर जैसा कि उन्हें पता है बाहर खतरा है, अगर जाएंगे भी तो कहाँ। लीजा को पता चल चुका था उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। जेरी कहता है अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जेरी बाहर चले जाता है और यहाँ लीजा रेमी को लेकर बाहर छिपा देती है और खुद बेज में एक चाकू लेकर छिप जाती है ताकि जब जेरी वापस आए तो वो उसे जान से मार सके। पर जेरी को लीजा के वहाँ छिपे होने का पता चल जाता है और लीजा उस पर हमला कर देती है। वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। जेरी लीजा से 30 दिनों का वक्त मांगता है, वो 30 दिनों तक उसके साथ रहे और उसे खुद को साबित करने का मौका दे। अगर फिर भी उसे लगता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वो यहाँ से चला जाएगा। लीजा उसकी बात मान जाती है पर वो कहती है सबसे पहले उसे अपने हस्बैंड को दफनाना है और वो रेजा को दफना देती है और वो उसे याद कर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ यहीं रुकने का फैसला करती है। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। दोनों में बातचीत नहीं होती थी, अगर जेरी बात भी करता तो लीजा उसका कोई जवाब नहीं देती। एक दिन कुछ सामान लेने लीजा स्टोर रूम में जाती है, वहाँ वो एक बॉक्स को नीचे उतार कर रखती है। वो देखती है वो बॉक्स वहाँ से जाने लगता है। वो एक AI रोबोट था जो कि जेरी का था। जेरी कहता है इससे कोई खतरा नहीं है, ये बस एक साधारण रोबोट है। रेमी उस रोबोट को देख काफ़ी खुश होती है, आज से पहले उसने किसी रोबोट को नहीं देखा था। वो उसका नाम स्टीव रख देती है। रात लीजा आसमान की तरफ देख रही थी, वो रेजा को काफ़ी याद कर रही थी। वहाँ जेरी आ जाता है। वो काफ़ी वक्त पहले अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़कर चला गया था और दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आना चाहता था, पर वो मजबूर था क्योंकि बाहर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लीजा बताती है उसने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा, जब वो यहाँ आए थे तो उसके पेरेंट्स पहले ही मर चुके थे। जेरी अपने और लीजा के बीच दूरियाँ कम करने में लगा था क्योंकि 30 दिनों में उसका विश्वास जीतना था। इस बात का पता रेमी को चल जाता है कि उसकी माँ अब उसके पिता को भूल चुकी है। वो इस बात से नाराज़ होकर चुपचाप घर से निकल जाती है।
स्टीव भी उसके पीछे जाने लगता है, पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि आगे बहुत खतरा है। स्टीव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखती है उनका फार्म एक फोर्स फील्ड से प्रोटेक्टेड है, जो कि एक बबल की तरह है, जिसकी वजह से अंदर की हवा सांस लेने लायक रहती है। ये देख वो गुस्से में ज़ोर से चीखती है, क्योंकि अब वो वापस घर लौटकर नहीं जाना चाहती थी। वो दूसरी तरफ चलकर आती है, उसे एक केव दिखाई देता है जिस पर दरवाज़ा लगा था। रेमी उसका बटन दबाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो भीतर जाने लगती है। वो डर भी रही थी क्योंकि भीतर काफ़ी अंधेरा था। वो देखती है पीछे दरवाज़ा बंद हो रहा है। अब वो और भीतर जाने लगती है। उसे सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वहाँ ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से गिर गया था और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जेरी आ जाता है, उसे वहाँ से बेस ले आता है। वो केव एक रास्ता था जहाँ से उस बबल से बाहर आया जा सकता था। जेरी उसे बताता है बाहर कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द उसे भी पता चल जाएगा कि हम कितने खुशनसीब हैं जो हमारे पास ये जगह है। हम देखते हैं 30 दिन पूरे हो चुके हैं। रात रेमी देखती है जेरी सभी ऑक्सीजन मास्क जला रहा है, जिससे पता चलता है कि अब वो यहीं रहने वाला है। इस बात से रेमी अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ थी। शायद वो इसकी वजह अपनी माँ को मानती है, पर लीज़ा उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके पिता से अब भी उतना प्यार करती है जितना कि वो पहले करती थी। सुबह जेरी लीज़ा को गिटार प्ले करने के लिए कहता है। लीज़ा गाना गाती है जब वो अपने परिवार के साथ गाया करती थी। वो गाना सुन रेमी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो भागकर स्टोर रूम में चली जाती है। लीज़ा उसके पीछे जाती है, पर रेमी बताती है कि वो अब उससे नफरत करती है। वहाँ से लीज़ा घर में आ जाती है। जेरी अपनी गन टेबल पर रख के बाहर आ जाता है। लीज़ा वो गन उठाकर उस पर पॉइंट कर देती है, पर जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है उसे पता चलता है कि जेरी ने गन में खाली मैगजीन लगाई थी। रेमी बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। लीज़ा उस पर चाकू से हमला करती है और जेरी उसे जान से मार देता है। ये देख रेमी वहाँ से भागने लगती है, पर जेरी उसे पकड़ लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे चोट नहीं पहुँचाएगा, पर वो अब जेरी से काफ़ी डरने लगी थी। हम देखते हैं 10 सालों का वक्त बीत चुका है और अब रेमी बड़ी हो चुकी है। उसने अपने फार्म में काफ़ी ग्रोथ कर लिया था, पर अब भी वो जेरी से नफरत करती है और जेरी के किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। एक शाम वो रेमी को एक गिफ्ट देता है। वो उसकी माँ की स्केच थी जो जेरी ने बनाई थी। उस स्केच को देख वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वहाँ वो रेमी को किस करता है और इस वजह से वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं रेमी सीक्रेटली यहाँ से निकलने का प्लान कर रही है और उसने अपने लिए एक ऑक्सीजन मास्क छिपा कर रखा है। उसे यहाँ से निकलने का रास्ता भी पता है, बस वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। शाम जेरी बताता है कि उसे बच्चा चाहिए, पर इस बात से रेमी राज़ी नहीं थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है। इस बारे में जेरी उसे सोचने को वक्त देता है। रात जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है जेरी वहीं बैठा था। उसके हाथ में मास्क था। ये वही मास्क था जो रेमी ने छिपा कर रखा था। जेरी को पता चल जाता है कि वो यहाँ से भागने का प्लान बना रही है और वो गुस्से में उस मास्क को जलाने जाता है। रेमी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बताता है बाहर सब खत्म हो चुका है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और यहाँ से नहीं जा सकती। वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिससे उसका सर जमीन में लगे वाटर टैप से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे लेकर भीतर आता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने दोनों हाथ बेड से बंधे हुए पाती है। वो काफ़ी डर जाती है। जेरी अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और वो गन पॉइंट पर रेमी से ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ रोबोट स्टीव आ जाता है और वो पावर ड्रिलिंग अटैचमेंट की मदद से जेरी के गर्दन पर शूट कर देता है और रेमी खुद को छुड़ा लेती है। उसके बाद वो अपनी गन से जेरी को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। सुबह वो वहाँ से निकलने की तैयारी करती है। अब वो यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहती थी। जाने से पहले वो अपने रोबोट स्टीव से मिलती है। वो उसे यहीं रुकने के लिए कहती है। आज से इस जगह की जिम्मेदारी उसकी है। वो आखिरी बार अपने माता पिता के ग्रेव पर जाती है। उस जगह से जाते वक्त वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। वो मास्क लगाकर उस दरवाजे से दूसरी तरफ निकलती है। वो देखती है दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस हर तरफ बंजर जमीन दिखाई दे रही है। पर अब उसे आगे का सफ़र तय करना है। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।